दोस्तों, अगर आप टाटा ग्रुप के शेयर में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयर पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। दरअसल एफएमसीजी सेक्टर के इस कंपनी के शेयर पर ब्रोकरेज हाउस ने ऊपर जाने की सलाह दी है और इसे खरीदने की भी सलाह दी है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इस टाटा ग्रुप के इस शेयर पर खरीदने की रेटिंग दी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर को 910 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की रेटिंग दी है। इसके अलावा कंपनी का मौजूदा शेयर प्राइस 822 रुपये पर है, यानी कि अभी ट्रेडिंग करने पर 11.49% का मुनाफा हो सकता है। इस साल में ये शेयर लगभग 10% तक चढ़ा है और लंबी अवधि वाले निवेशकों को कंपनी ने तगड़ा रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में यह शेयर लगभग 440% तक उछला है। दोस्तों, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपने नोट में कहा है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग में गिरावट के कारण 4% रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट करने की उम्मीद है। भारत के पे और अंतर्राष्ट्रीय पे सेगमेंट में फ्लैट बिक्री दर्ज करने की उम्मीद है, जबकि भारतीय खाद्य व्यवसाय जैसे कि नमक दालें और अन्य की बिक्री में 19% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। उत्तर भारत में औसत चाय की खरीदी कीमतों में वित्त वर्ष 2012 में 15% की गिरावट देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 437 BPS ग्रोस मार्जिन विस्तार की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड FMCG सेक्टर की कंपनी है। यह साल 1962 में स्थापित हुई थी। यह एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब एक बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 75,023.53 करोड़ रुपए है। दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए इस कंपनी ने 3232.42 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की थी, जो पिछली तिमाही की कुल आय 3072.74 करोड़ रुपए से 5.23% अधिक है और नवीनतम तिमाही में कंपनी का 287.68 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये थी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के ऊपर न्यूज़ जो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।